Subscribe and press the bell icon and never miss an episode from Clipper 28. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रुचिका केडिया एक बार फिर से लेकर आई हूं आपको क्लिपर 28 के सिग्नेचर फूड एपिसोड में। आज हम आए हैं खुशबू मुनोज जी के घर में, तो चलिए जानते हैं खुशबू जी से कि आज वो हमें क्या बना के बताने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूं खुशबू जी का हमारे सिग्नेचर फूड एपिसोड में। वेलकम मैम। हेलो फ्रेंड्स। मैम आज आप हमें क्या बना के बताने वाली हैं? आज मैं गुपचुप पिज़्ज़ा बताने वाली हूँ आपको, और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो इंस्टेंटली हम क्या बना सकते हैं और जल्दी से जल्दी और टेस्टी फूड क्या खिला सकते हैं उनको। वाओ, गुपचुप सबको बहुत पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, लड़कियाँ, सबको बहुत पसंद है। तो चलिए चलते हैं खुशबू जी के किचन में और देखते हैं कि खुशबू जी गुपचुप पिज़्ज़ा कैसे बनाने वाली हैं। चलिए तो हम आ चुके हैं खुशबू जी के किचन में और देखते हैं कि खुशबू जी पिज़्ज़ा गुपचुप के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाली है। मैंने ये येलो कैप्सिकम, अनियन, रेड कैप्सिकम और कॉर्न, ग्रीन कैप्सिकम, कैरेट, ये मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। उसके साथ ही मैंने लिया है बटर, जो कि मुझे ये वेजिटेबल्स को सॉटे करने के लिए लगेंगे। ये सॉस है पिज़्ज़ा सॉस, ये मेयो, ये चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो और ब्लैक पेपर विथ सॉल्ट, ये लिया है मैंने। ये मेरा गुपचुप है जिसमें मैं फिलिंग भरने वाली हूँ और फिर उसे हम पिक करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि मैम पिज़्ज़ा गुपचुप कैसे बनाने वाली हैं। पहले हम इसे सॉटे करेंगे सारे वेजिटेबल्स को। बटर लेंगे हम पहले थोड़ा सा, जिसमें कि हम वेजिटेबल्स को सॉटे करेंगे। पैन थोड़ा गर्म हो जाए हमारा, उसके बाद हम बटर डालेंगे इसमें। थोड़ा ही बटर लगेगा हमें, 1 से 2 टीस्पून। ये जैसे ही हमारा बटर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा उसमें फिर हम वेजिटेबल्स डालेंगे। हल्का ही सॉटे करेंगे हम, ताकि जो हल्का फुल्का कच्चा टेस्ट जो होता है वो चला जाए हमारे गुपचुप में। सबसे पहले हम ऑनियन यूज़ करेंगे, ऑनियन को डालेंगे। ये हम ज़्यादा नहीं, 8 से 10 गुपचुप के लिए फिलिंग रेडी कर रहे हैं। थोड़ा ऑनियन रेड होने पर हम कैप्सिकम डालेंगे। फिर मैम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे बिना पहले से फ्राई किए, हम लोग डायरेक्ट गुपचुप में भर के और उसको जैसे पिज़्ज़ा को बेक करते वैसे बेक कर दें? हाँ, पर हल्का ही कर रहे हैं हम, ताकि उसके टेस्ट में और बटरी टेस्ट आ जाए, उसका क्रीमी टेस्ट आ जाए। हल्का ही करेंगे हम, एकदम नहीं सेकेंगे इसे। थोड़ी ग्रीन पेपर, थोड़ी येलो पेपर, सब इक्वल क्वांटिटी में ही लेंगे हम। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर दिख रहा है, ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट, कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। खाने से ज़्यादा अच्छा तो ये देखने में लग रहा है, टेस्टी है। खाने में भी उतना ही टेस्टी है ये। ये कैरेट लेंगे अब, इसमें हमने हल्का इसे सॉटे कर लिया है, उसके बाद फिर कैरेट डालेंगे इसमें हम। लास्ट में हम कॉर्न डाल रहे हैं, क्योंकि कॉर्न को मैंने थोड़ा ऑलरेडी बॉईल कर लिया है, इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे जब इसका पूरा हो जाए, मतलब सारे वेजिटेबल्स हल्के जो हमको जैसे चाहिए हल्के सॉटे उतने हो जाए। मैम का कहना है वेजिटेबल्स जैसी हल्के फ्राई हो जाएं वैसी हम उसमें बॉइल कॉर्न डाल देंगे। बस ये हमारा हो गया है। इस मिक्सचर को हम इसमें लेंगे बाउल में, और पिज़्ज़ा के जो
टॉपिंग बनानी है हमें, उसके लिए हम रेडी करेंगे। इसके बाद हम इसमें सॉस जो हमने रखी है ऑलरेडी, ये पिज़्ज़ा की सॉस और ये मेयो, ये दोनों डालेंगे हम। ये हम 2 से 3 स्पून डालेंगे, टीस्पून। ये मेयो है, इसे डालेंगे और सीजनिंग जो हमने तैयार करके रखी हुई है, ये चिली ऑरिगेनो थोड़ी सी, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स। एक्चुअली हम हाथ से इसे इसलिए डाल रहे हैं कि हमें मेजरमेंट बराबर रहे, कुछ कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि पिज़्ज़ा में नमक और जितने ये हर्ब्स होते हैं ये ज़्यादा नहीं डाली जाती है, नॉर्मल क्वांटिटी में डाली जाती है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस डिश में, ट्विस्ट ये है कि अभी तक हम इस फिलिंग को पिज़्ज़ा में खाते थे और आज मैम ने इसमें ट्विस्ट डाला है और पिज़्ज़ा में नहीं डाल के इसको गुपचुप के अंदर फिलिंग करके और हमें गुपचुप के तौर पे खिला रही हैं। ये देखिए हमारी फिलिंग रेडी हो गई है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही है। अब हम इसे गुपचुप जो मैंने रेडी करके रखा है ये इसमें फिल करेंगे। ये मेरी बेकिंग डिश है, इसमें हम गुपचुप को फिल कर करके रखते जाएंगे। मैम हम चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं बिना बेक किए। हाँ खा सकते हैं, पर ये चीज़ एक्चुअली हम इसमें चीज़ डालेंगे और वो चीज़ जब तक मेल्ट होके इसके अंदर ना जाए तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। आएगा अच्छा ऑब्वियसली, बट जब तक इसके अंदर नहीं जाएगा तो वो उतना टेस्टी नहीं लगेगा। जैसे कि पिज़्ज़ा में हमें चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो जितना मेल्टेड और जितना अंदर हो चीज़ उतना हमें पसंद आता है, इसलिए। बाकी हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं। इसे हम, मैंने कहा ना कि अगर हमारे घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होती है, तो इसे हम 2-3 चीज़ों में यूज़ करके हम नया नया ट्विस्ट दे के स्नैक्स बना सकते हैं इसे। तो मैम गुपचुप के अलावा और इसमें आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? हम नाचोज़ होता है जो पैकेट में हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, बच्चों के लिए हम घर पे रखते हैं, नाचोज़ है, चिप्स हैं जो पैकेट वाले चिप्स होते हैं वो है, कभी इसे हम बिस्किट्स में यूज़ कर सकते हैं और चीज़ ग्रेट करके हम उसे बेक करके सर्व कर सकते हैं। ये 5-10 मिनट्स का ही स्नैक है, कोई फ्रेंड आया, आपकी किट्टी पार्टी है, आप और किसी चीज़ में इसे वेलकम स्नैक्स के रूप में भी सर्व कर सकते हैं कभी भी। मैम का कहना है अगर अचानक से गेस्ट आ जाए तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप पिज़्ज़ा गुपचुप बिल्कुल बना के खिला दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैम बच्चों का फेवरेट उसमें चीज़ डालने जा रही है। जितना हो सके हम चीज़ अगर गुपचुप में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये रेडी है हमारा, जिसे अब हम बेकिंग डिश में डालेंगे। अब मैंने जो मैंने पहले ही ऑन कर दिया था प्रीहीट करने के लिए, इसे हमें
2 to 3 minutes ओवन में रखेंगे, सिर्फ इसलिए कि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए, बाकी तो हमारा ऑलरेडी सॉटे किया हुआ है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। डिश जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ चीज़ पिघल जाए इसलिए मैम ने उसे OTG में रखा है। हमारा गुपचुप रेडी हो चुका है, चलिए अब उसको हम ओवन से बाहर निकालते हैं। ये हमारा गुपचुप है जो कि रेडी हो चुका है। मैम अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बस हम इस मैंने ये प्लेटिंग रेडी की है, जैसे कि मैंने कहा था कि हम इसे नाचोस के साथ, चिप्स के साथ, हर किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने नाचोस रखे हैं जिसमें हम ये वाले जो हमने इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स करके बनाए थे वो डालेंगे और चीज़ डालेंगे और साथ ही इसमें हम गुपचुप सर्व करेंगे। पहले हम नाचोस रेडी कर लेते हैं प्लेटिंग के अकॉर्डिंगली। इसमें हम चीज़ भी डालेंगे और इसे हम चाहें तो हम इसे रीबेक कर सकते हैं, बट अगर नहीं चाहें तो हम, क्योंकि ये हमारा जो ग्रेवी है वो भी ऑलरेडी हमारा मिक्सचर सॉटे किया हुआ है नाचो से, वो ऑलरेडी बेक्ड है, तो हम अगर ना बेक करें तो भी चलेगा इससे। जैसे कि ये हमारा गुपचुप है, जब हम इसे ओवन से निकालते हैं तब ये हल्का नरम रहेगा, पर जैसे जैसे ये ठंडा होता है तो इसमें क्रिस्पनेस आ जाती है। इसमें हम सीजनिंग डालेंगे थोड़ी बहुत फ्लेवर के लिए। वो बाउल चाहिए एक्चुअली। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि पिज़्ज़ा गुपचुप स्वाद में कैसा है। वाकई जैसा कि मैंने आपको बताया था यह स्वाद में बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा है, सिर्फ मैम ने इसका ट्विस्ट ये दिया है कि मैम ने उसकी फिलिंग को गुपचुप में फिल कर दिया है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू सो मच खुशबू जी जो आपने हमें इतना अच्छा डिश बना के बताया। थैंक यू आपको भी। खाते रहो, खिलाते रहो, क्लिपर 28 के खाना पीना एपिसोड में बने रहो। कैमरामैन होरीलाल के साथ मैं रुचिका केडिया, बाय बाय। For more news updates, do subscribe, like and share Clipper 28.